बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीबीएसई बोर्ड इम्तिहान पर पीएम मोदी की अहम मीटिंग होने वाली है। भारत सरकार के जराए के हवाले से खबर है कि दोपहर 12 बजे पीएम मोदी वजीर तालीम के साथ अहम मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में एजुकेशन सेक्रेटरी और कई अफसरान भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इम्तिहान टालने का मुतालबा किया था। कई रियासतें सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान टालने का मुतालबा कर चुकी हैं। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन 12 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग करने वाले हैं। वजीर तालीम भी उनके साथ इस मीटिंग में शामिल होंगे, कई आला अफसरान भी। और बताया जा रहा है कि उनकी अहम मीटिंग सीबीएसई बोर्ड इम्तिहान को लेकर मुनाकिद की गई है। तमाम बड़े अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग करने वाले हैं दोपहर 12 बजे। भारत सरकार के ज़राए के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी वजीर तालीम के साथ मीटिंग करेंगे। कई आला अफसरान भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में एजुकेशन सेक्रेटरी, कई दीगर ऑफिसर शामिल होंगे। मुल्क में होने वाले सीबीएसई बोर्ड के इम्तहान को लेकर ये अहम मीटिंग मुनक्किद की गई है, तो कोई भी बड़ा फैसला इस मीटिंग में लिया जा सकता है, इस बात का इम्कान है। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान टालने का मुतालबा किया था। इसके अलावा कई और रियासतें सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान टालने की मांग कर चुकी हैं। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कोई भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबन 12 बजे एक अहम बैठक करने वाले हैं वजीर तालीम के साथ। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कई आला अफसरान भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। और आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहानात को लेकर इस बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है। तमाम बड़े अपडेट के साथ आपको बाखबर कर रहे हैं। भारत सरकार के जराए के हवाले से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नाज़रीन, बड़ा अपडेट सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान के हवाले से। कल ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बोर्ड के इम्तिहान टालने का मुतालबा किया था। आज अहम मीटिंग मुनाकिद की गई है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। वजीर तालीम भी उनके साथ इस मीटिंग में शामिल होने वाले। और सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात को लेकर कल दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने क्या मुतालबा किया था, आइए सुनते हैं। और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं, 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे, 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है, लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मुतालबा किया था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुज़िश्ता रोज। आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा कई और रियासतें भी सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहानात को टालने का मुतालबा कर चुकी हैं कि ऐसा ना हो कि कोरोना वबा के चलते बोर्ड इम्तिहान के मद्देनजर अरेंज की जाने वाली क्लासेस कोरोना का हॉटस्पॉट ना बन जाए। इसी को लेकर दोपहर 12 बजे अहम मीटिंग मुनाकिद की गई वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। वजीर तालीम भी उनके साथ इस मीटिंग में शामिल होंगे। और इसके अलावा कई आला अफसरान, एजुकेशन सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं।